हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अब दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आइसोमेट्रिक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइन हम लोग किस तरह से खींचेंगे, पॉलीलाइन किस तरह से खींचेंगे, बेसिक सारे मैंने लगभग कवर कर लिए। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली सॉरी, मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं तैयार कर पा रहा था क्योंकि मेरा माइक ख़त्म ख़राब हो चुका था। तो आप देख सकते हो मैं इस माइक का यूज़ कर रहा हूँ जो कि हेडफोन के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, आइसोमेट्रिक क्या होता है? सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक के बारे में जानेंगे। आइसोमेट्रिक बोलते हैं 2.5D को। 2.5D समझते हो आप लोग? जैसे कि आपने 2D देखा, आपने 2D की कमांड्स हमने देखी और हमने 3D की उस कमांड में बताई आपको। अभी तक मैंने आइसोमेट्रिक पे कुछ भी आपको नहीं बताया, सो आज हम आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। आइसोमेट्रिक बोलते हैं दोस्तों 2.5D को। किसको बोलते हैं? 2.5D को। 2.5D मीन्स जो लगे 3D बट हो ना 3D, दैट इज़ योर 2.5D। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे आइसोमेट्रिक के कुछ करंट रूल्स होते हैं। रूल्स को मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर आइसोमेट्रिक रूल इज़ देयर एंड हाउ टू स्टार्ट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? इसके 2 वीडियोस हम लोग तैयार करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको ड्राइंग्स भी मैं बना के दिखाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से, जैसा कि सर बार बार आपको बोलता हूँ, अगर आप नए यूज़र हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करो। आपका भला होगा और सबका भला होगा। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग को आइसोमेट्रिक बनाना है। तो आइसोमेट्रिक को कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले ये देखिए हाउ टू स्टार्ट। तो इसके लिए गो टू स्नैप सेटिंग, उसके बाद रेक्टेंगुलर स्नैप, और उसके बाद क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक स्नैप। मीन्स आप यहाँ पे जानते ही हैं, यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स होती है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे स्नैप सेटिंग आएगा, और स्नैप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स खुल के आएगा आपके सामने, जिस बॉक्स में हम लोग आइसोमेट्रिक स्नैप करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक रेक्टेंगुलर स्नैप चल रहा था, अब हम लोग आइसोमेट्रिक स्नैप करेंगे और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर आप देखो तो ये F5 बटन से इसके कर्सल चेंज हो गया। ये 3 एक्सिस में चलता है, टॉप राइट और लेफ्ट। ये देखिए 3 एक्सिस में चलता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पे राइट लेफ्ट टॉप 3 डायरेक्शंस में चलेंगे हम लोग। और ये हमेशा 30 के एंगल पे चलता है। सो दोस्तों, 30 पे के एंगल पे चलने के लिए आप हमेशा ऑर्थो को ऑन रखना। ऑर्थो को ऑन नहीं रखोगे तो फिर ये 30 के एंगल पे नहीं चल पाएगा। देखिए आप 30, जैसे ऑर्थो ऑन करके आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 30 के एंगल पे ये डिस्टेंस लेके चल रहा है दोस्तों। चलिए अब आइसोमेट्रिक के कुछ खास रूल होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला रूल है मिरर कमांड डज नॉट यूज इन सेम प्लेन। दिखाता हूँ क्यों। और सर्किल कमांड कभी भी यूज़ नहीं करते इसमें। और सर्किल की हम लोग गो टू इलिप्स, इलिप्स पे जाना होता है, फिर एक्सिस हैंड और फिर राइट क्लिक, सर्किल माउस में करते हैं और वहाँ पे आइसो सर्किल इस पे बनाते हैं। और ऑफसेट कमांड यूज़ नहीं करते हैं, क्यों बताता हूँ। और फॉर चेंजिंग द प्लेन F5 बटन यूज़ करते हैं। प्लेन मीन्स राइट लेफ्ट टॉप। और तो हमेशा ऑन रखते हैं। ये इसके छोटे छोटे कुछ रूल्स थे, ठीक है? इन रूल्स को देखते हुए हम लोग इसमें ड्राइंग को तैयार करेंगे। इस रूल को वो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरी साइट www.unixsibil.com पे भी ये अवेलेबल है, ये रूल्स, तो आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सपोज अभी मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ जो लगेगा 3D, लगेगा आइसोमेट्रिक बट लगेगा 3D और होगा वो 2.5D, मतलब आइसोमेट्रिक। दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सपोज 100 का एक लाइन खींचा और फिर हम ऊपर की ओर जाने के लिए F5 बटन, जिसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ऊपर की ओर चले गए और फिर इधर की ओर F5 बटन, फिर इस तरह से एक दूसरे को मिला दिया, फिर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर भी हमने 100 100 और एक दूसरे को मिला दिया। दोस्तों देखिए अब ये आपको कैसा दिख रहा है, जैसे ये बुक हो, राइट? बुक की तरह दिख रहा है, राइट? और ये लग रहा है जैसे 3D हो, बट ये 3D नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक या 2.5D। अब इसमें हम सर्किल क्यों नहीं यूज़ करते? सर्किल अगर आप इसमें यूज़ करोगे और यहाँ पर सर्किल क्लिक करोगे तो देखो ये सर्किल का शेप कैसा आ रहा है। सर्किल का शेप इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जो कि लग रहा है जैसे 2D में है, राइट? इसलिए हम लोग इसमें सर्किल कमांड को यूज़ नहीं करते। तो सर्किल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सर्किल के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इलिप्स पे जाएंगे, इलिप्स पे जाने के बाद एक्सिस हिंट पे जाएंगे, और एक्सिस हिंट पे जाने के बाद यहाँ पर आइसो सर्किल नाम की कमांड लेंगे। और अभी आप इसका क्या प्रॉफिट होगा, इसमें आप चेंज कर सकते हो अपने प्लेन को, जैसे कि F5 बटन दबा, इस तरह से प्लेन को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 20 करके एंटर कर दिया इस तरह से, और फिर से हमने जैसे सपोज यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी, एंड फिर से हमको बनाना है, तो यहाँ पे फिर से जाइए एक्सिसेंट पे, एक्सिसेंट पे जाने पर राइट क्लिक, आइसो सर्किल, और अभी आप प्लेन चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ कीबोर्ड में, कुछ लोगों के लैपटॉप में फंक्शन प्लस F5 होगा। अगर F5 से नहीं हो रहा है तो फंक्शन प्लस F5 बटन का यूज़ करिएगा।
तो आपका ये इजिली हो जाएगा। ओके, दूसरा इसमें रूल क्या होता है दोस्तों, इसमें दूसरा रूल होता है कि इसमें हम लोग मिरर कमांड यूज़ नहीं कर सकते हैं सेम प्लेन पे। सेम प्लेन बताता हूँ कैसे, सेम प्लेन इन द सेंस कि दोस्तों ये हमारा एक प्लेन है और एक प्लेन हमारा ये है। अगर आपको इसको मिरर कराना है यहाँ पर, तो आप अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे करके मिड पॉइंट पर क्लिक करते थे और एसोमेट्रिक, बट ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्ट नहीं है। सो हम लोग इसमें मिरर कमांड को यूज़ नहीं करेंगे सेम प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इसको अगर यहाँ पर कराना है तो आप मिरर लो या MI कमांड लो शॉर्ट की, और फिर उसके बाद यहाँ पे F5 बटन को जैसे दबोगे तो देखोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, ये कुछ रूल्स थे। इसके अलावा एक और छोटा सा रूल्स होता है इसमें दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑफसेट कमांड। और ऑफसेट कमांड देखो यहाँ पे नहीं यूज होगा, देखो सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ऑफसेट कमांड किया। ओपन लूप में, ओपन लूप इन द सेंस कि जो पॉलीलाइन ना बनाओ। अब इसमें अगर मैंने, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 5 या 10 का कुछ भी लिया, ये देखिए आपको क्या हो रहा है, ये लाइन बाहर की हो रहा है, बट ऑफसेट कमांड का काम क्या है, सीधे नीचे जाना चाहिए। राइट, इसके लिए क्या बोलते हैं, अभी ऑफसेट तो आपको करना पड़ेगा, तो ऑफसेट करने के लिए आप यहाँ पर कॉपी कमांड को यूज़ करो। कॉपी कमांड लिया और इस तरीके से आप इजीली कॉपी कर सकते हो दोस्तों, और इसका भी प्लेन चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। ओके, अगर ऑफसेट आपको यूज ही करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद इनको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों, और फिर आप इजीली इसको ऑफसेट कर सकते हो जितना भी आप इसको ऑफसेट चाहो। ठीक, इस तरह के कुछ छोटे छोटे रूल्स थे जिन रूल्स को फॉलो करके हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो तैयार करूं एक ड्राइंग का, और उसमें प्रॉपर आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं, और होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करो यार, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एवरी टॉपिक्स ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।